नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और चलो। इसी नारे के साथ आज हम फिर मौजूद हैं विवेकानंद पार्क में, जहां पर हमारे साथ युवाओं का एक जत्था भी है जो अपने देश के विकास के बारे में सोचता है, रीवा के विकास के बारे में सोचता है और प्रदेश के विकास के बारे में सोचता है। स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलता है और रीवा के आयाम की तरक्की के लिए हर पल सोचता है, कभी शिक्षा जगत में तो कभी क्षेत्रीय विकास के बारे में ये हर वक्त चिंतित रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या सोच है इनकी, क्या चाहते हैं रीवा का कैसे विकास हो सके और क्या कुछ खास होना चाहिए। विमलेश जी, रीवा के बारे में आपकी क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं कि कैसा विकास हो जो यहाँ के आयाम के लिए और तरक्की के लिए बेहद कारगर हो। धन्यवाद विजय जी। रीवा विकास से अछूता नहीं है। विगत 15 वर्षों में रीवा ने बहुत कुछ विकास किया है। निश्चित तौर पर इस विकास मॉडल से ही आज भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक निर्वाचित हुए हैं, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है कि विकास नहीं हुआ। लेकिन जो विकास के पीछे का जो खेल है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ सोचने की है कि क्या इतना विकास होने के बाद क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाई जनता को जो चाहिए। जैसे हमारे एक छोटे से मोहल्ले की ही हम बात करते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारी सड़क 3-4 बार जोड़ी गई, यहां एक सीवर लाइन बिछाई गई है। आपको पता होना चाहिए सीवर लाइन किसी तरह से सक्सेस नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए गए, बनी बनाई सड़कें तोड़कर नष्ट कर दी गई। जहाँ पानी नहीं भरा रहता था वहाँ पानी रुकने लगा और पूरी तरह से विकास के नाम पर यहाँ पे गेम, बिल्कुल शहर में जिस तरह यहाँ पर 2.5 लाख की आबादी में से लगभग 1.5 लाख लोग मीठे पानी के लिए तरसते हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि विकास जी अधूरी गति के चलते ये हो रहा? विकास की अधूरी गति माने, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी क्षमता ही नहीं है। जितना बोलते हैं, जितना करना चाहते थे, उतना कर नहीं पाए किन्हीं कारणवश। मेरे घर से लगभग 500 मीटर से कम में पानी की टंकी बनी हुई है, वार्ड 10 में। मतलब ये मान के चलिए कि मेरे यहाँ जो घर का नल का कनेक्शन है, यदि मैं खोल दिया तो बदबू से पूरा घर हमारा, है ना, अलग से समझ में आने लगता है कि नल का पानी आ रहा है, मीठा जल जिसको हम बोलते हैं, है ना। बिल्कुल। अभी उसको 6 महीने से उनने बंद कर रखा है, बिल बराबर दे रहे हैं, कोई वहाँ सुनने को तैयार नहीं है ना। तो इस तरह से 15 वर्षों से रीवा में भाजपा का साम्राज्य रहा और यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भाजपा के रहे। इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया, महापौर भी भाजपा का। ऐसे में यहाँ पर विकास की गंगा नहीं बह सकी और लोगों को मीठा जल भी नहीं उपलब्ध हो सका। क्या वजह मानते हैं, अपना नाम बताइए, क्या वजह मानते हैं कि यहाँ पर क्या कमी रह गई कि लोगों को मीठा जल नहीं मिल पा रहा और विकास से अधूरा है रीवा? मेरा नाम बालेंद्र अग्निहोत्री है। जैसा कि आपने अभी मीठे जल के बारे में क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने रीवा जिले से नदी बहुत दूर नहीं है, अपने बगल से नदी निकलती है। कहीं ना कहीं ये सरकार का हमारे फॉल्ट है। पिछली जो भी अपने यहाँ सरकार रही हो, भाजपा सरकार थी, जो कुछ भी था, फॉल्ट उसका है। विकास का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में कोई भी कमी ना हो, जनता भरपूर उसको पूरा हर चीज़ उसको सुविधा मिले। मैं बात करता हूँ स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान पूरी सरकार अभी उस पर लगी हुई है। अगर हम रीवा की बात करते हैं, गली ऐसी कोई गली नहीं बची है रीवा की, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे आपको स्वच्छ भारत अभियान का विनाश देखने को मिलेगा। वो विकास नहीं है, वो विनाश है। नालियों में आज भी देखिए, नालियाँ बिल्कुल खचाखच कचरे से भरी हुई हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं लेकिन कोई मतलब की नहीं है। इसको हम विकास नहीं कह सकते हैं। विकास का मतलब ये होता है जनता खुशहाल रहे, जनता के बीच में कोई परेशानी ना हो। ये बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, इसको विकास मेरी नज़र से, मैं विकास के इसको अपनी नज़र में विकास नहीं देखता हूँ, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, जिस तरह से रीवा में बीहर बिछिया के तट पर बसा हुआ है रीवा, यहाँ पर 12 महीना जो है बाण सागर का पानी मिलता है, बावजूद इसके यहाँ के लोग मीठे पानी के लिए तरसते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पशु महाविद्यालय संबंधित बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कमी है, आपको शिक्षा जगत में क्या कमी महसूस होती है? जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, 3-4 हैं अपने यहाँ रीवा में, बट यहाँ पे जो अपन को अच्छा एजुकेशन चाहिए, जैसे कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अपन को टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कुछ होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल तो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे रीवा में टेक्निकल तो है ही नहीं। जो भी आप कॉलेज में सर्वे करके देख लीजिए, टेक्निकल कोई स्टूडेंट भी नहीं यहाँ पे अपने। एक गवर्नमेंट कॉलेज अपने जीसी है,
वहाँ भी लगभग लगभग नथिंग के बराबर है, बस अच्छे बच्चे आ जाते हैं, इसलिए एजुकेशन बेटर है। वहाँ के टीचर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी यूज नहीं होते हैं, ऐसी रखे रखे सब रस्ट पड़ा हुआ है सब में। तो आई थिंक बहुत कंडीशन टेक्निकल एजुकेशन के लिए अभी कहाँ निर्भर है छात्र, कहाँ जाना पड़ता है? सबसे बेस्ट तो साउथ है, हमारे ख्याल से सबसे बेस्ट साउथ का है, जैसे हैदराबाद हो गया आपका, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पे डिपेंडेंट है सभी स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हैं और क्या कमी महसूस करते हैं? मेरा तो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी तो मैं दिल्ली पे हूँ, तैयारी चल रही गेट की, बट यहाँ का टेक्निकल मैं बाहर हैदराबाद में 4 महीने रुका, तो मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे टेक्निकल नथिंग है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। क्या करते हैं? मैं कोचिंग में। क्या कमी महसूस होती है रोजगार की? आप एक युवा है, यहाँ पर रोजगार की समस्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, क्या कमी महसूस हो रही? कमी तो कहने का मतलब कि स्टूडेंट की पर कमी ऐसी बात नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जो स्टूडेंट 80% ला रहा है तो उसका होगा, और कभी कहीं कहीं वीक कर देता है, पर गवर्नमेंट भी इतनी वैकेंसी भी नहीं निकाल रही। यदि किसी की वैकेंसी 10 आती है तो लड़के 10,000 फॉर्म डालते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से तो वैकेंसी भी सरकार को निकालना चाहिए हमारे ख्याल से। ओके, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। क्या यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, क्या महसूस करते हैं कि ऐसा विकास का मापदंड होना चाहिए जो यहाँ पर विकास की एक नई इबारत लिखे? जी, मैं TRS कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ कोचिंग की समस्याएं हैं, उतनी लेवल की कोचिंग नहीं है जितनी छात्र यहाँ से उम्मीद करते हैं कि हम रीवा में रह कर इस कोचिंग को पढ़ें, तो यहाँ उतनी कोचिंग नहीं है लेवल की। बिल्कुल, अगर हम TRS कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 14,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और ये यूनिवर्सिटी से भी बड़ा एक महाविद्यालय है, उत्कृष्ट महाविद्यालय है, ए ग्रेड का महाविद्यालय है, तो यहाँ पर क्या कमी आप महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा जगत में क्या कमी है? शिक्षा जगत में शिक्षा का स्तर यहाँ देखा जाए तो काफ़ी लो है, क्योंकि स्टूडेंट तो इसमें भरपूर है, लेकिन उतनी फैसिलिटी भी है ना, TRS कॉलेज को ग्रेड ए भी प्राप्त है, और बस छात्रों में ही देखा जाए तो कमी महसूस होती है, उनका पढ़ाई का लेवल उतना नहीं है और कॉलेज में। सिर्फ आप कहना चाह रहे हैं कि छात्र संख्या ज़्यादा है लेकिन जो स्तर मेंटेन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो स्तर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसमें कॉलेज प्रबंधन की ही कमी है देखा जाए तो, क्योंकि एडमिशन जो होता है तो CLC में ही वो 33% से ही एडमिशन कर देते हैं, तो वो एडमिशन अगर ऐसे होंगे तो फिर शिक्षक का स्तर तो लो ही रहेगा कॉलेज में, छात्र संख्या ज़्यादा ही होगी है ना, और जो टॉप स्टूडेंट है उनका एडमिशन भी हो ही रहा है और जो लो है उनका भी एडमिशन हो रहा है, तो सभी छात्रों का तो एक जैसा हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा के कई सारे आयाम हैं, बावजूद इसके यहाँ के छात्र दूसरे प्रदेशों पर निर्भर हैं, या तो वो इंदौर में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर हैं वहाँ पर फैकल्टी की कमी के चलते बेहतर आयाम नहीं मिल पा रहे, जिससे यहाँ के छात्रों को दूसरे स्टेटों पर जाना पड़ता है, या तो PMT की बात करें तो लोग कोटा जाने के लिए मजबूर होते हैं, यहाँ पर एजुकेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उपयुक्त तो एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, फैकल्टी की कमी है, संसाधनों की कमी है, जिसके चलते यहाँ से छात्र दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शुक्ला है। क्या कमी महसूस करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एजुकेशन में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले व्यापारीकरण जो है, शिक्षा का व्यापारीकरण, इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि आए दिन देखें, स्वास्थ्य में देखें, डॉक्टर्स देखें, डॉक्टर भी अपने प्लानिंग प्राइवेट क्लिनिक खोल कर चलता है, कभी हॉस्पिटल झांकने नहीं जाता, शिक्षक कभी स्कूल में नहीं आना चाहता लेकिन कोचिंग सेंटर खोलता है जिसमें मन मौजा पैसा लेता है। सबसे पहले शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करना चाहिए ताकि इसमें काफ़ी सुधार आए, जो शिक्षक जो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं बराबर कॉलेज जाए, बराबर पढ़ाएँ, शिक्षा दें, ताकि भविष्य युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। अगर हम बात करें जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज 200 मीटर दूरी पर TRS कॉलेज है, इसके पीछे न्यू साइंस, मॉडल साइंस जैसे बड़े कॉलेज हैं, यहाँ पर छात्रों की भारी भीड़ है, क्या कमी महसूस करते हैं? कि देखिए, क्या है सबसे पहले कि अभी क्या है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो स्टूडेंट है, तो वो कई आरक्षण की वजह से, कहीं किस वजह से, या ICT की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, काफ़ी दिक्कतें परेशानी सामना करना पड़ता है, तो वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज वगैरह में जाता है, एडमिशन लेता है, तो कुल मिला के ऐसी परिस्थिति को और ऐसे समय को ख़त्म करना चाहिए और शिक्षा में सुधार लाना चाहिए ताकि लोगों को समय समय में एडमिशन वगैरह मिल पाए और अपना शिक्षा अच्छे से सज कर पाएँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर UGC से मान्यता प्राप्त कई महाविद्यालय हैं, APS यूनिवर्सिटी भी है, ए ग्रेड के यहाँ पर कॉलेज हैं,
लाखों का फंड इनको प्रतिवर्ष मिलता है, बावजूद शिक्षा का स्तर यहाँ पर नहीं सुधर सका। अगर हम बात करें यहाँ के मूलभूत सुविधाओं की तो वो भी नहीं जुटा पाए। विवेकानंद जी कहते थे उठो और जागो, अकेले चलो। लेकिन यहाँ पर जो फलीभूत हो रहा है, सिर्फ अपना अपना लोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिस कारण से रीवा को गति नहीं मिल पाई और रीवा उसी जगह पर है जहाँ वर्षों पहले था। और यहाँ के अब युवा भी उम्मीदें लगाना छोड़ दिए हैं क्योंकि कोई विकास कार्य करने वाला यहाँ पर नहीं है। आप देखते रहिए रीवा दर्शन, नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।